इंदौर क्राइम ब्रांच ने ई कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से महंगे फोन बुलवाकर कंपनी को डुप्लीकेट फोन वापस कर पैसे रिफंड में वापस से लेकर कंपनी से ठगी करने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दरअसल क्राइम ब्रांच पुलिस ने ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से महंगे मोबाइल मंगवाने वाले आरोपी वसीम द्वारा कंपनी से ठगी करने के मामले में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले महंगे फोन ऑनलाइन बुक करता था, उसके बाद फिर डुप्लीकेट मोबाइल डमी मोबाइल कंपनी को वापस कर देता था और पैसे रिफंडेबल कराने के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट का इस्तेमाल करता था। कंपनी को अब तक लाखों की ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका था, जिस पर पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश कर रही है। तभी पुलिस को मुखबिर से सूचना पर वसीम को आजाद नगर से गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। इसमें एक जैसा आपको याद होगा ई कॉमर्स का यूज करके और अमेज़न या फ्लिपकार्ट के पोर्टल को यूज़ करके साइट्स को यूज़ करके धोखाधड़ी का एक सामना मामला कायम हुआ था, जिसमें आरोपी द्वारा मोबाइल वगैरह अमेज़न से कॉल करके और उसकी कॉपी मोबाइल में IMI ट्रांसफ़र करके फिर अमेज़न को वापस किया जाता था और उसके बाद में जो है उसका रिफ़ंड प्राप्त किया जाता था। इसी मामले में एक अरेस्ट और हुई है, एक आरोपी इसमें गिरफ्तार किया गया। सेम मोडस ऑपरेंडी थी इसकी भी और संगठित रूप से ये दोनों लोग जो है इसमें इस तरीके से धोखाधड़ी करते थे। नहीं, इसमें अभी विवेचना चल रही है, जैसे फैक्ट्स आगे आएंगे तो फिर बताएं।